जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में सामान्य ज्ञान से जुड़े भारत के परिवहन के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर का अध्ययन करवाया जाएगा, जो बिहार पुलिस बीपीएससी बीएसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का सवाल है, भारत में कितने रेलवे जोन है? उत्तर 17। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, रेल मार्ग एवं रेल प्रणाली की दृष्टिकोण से भारत विश्व का कौन सा स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। 25.98% महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? सिकंदर रेल सुरंग जापान। अगला प्रश्न, हाजीपुर रेलवे जोन का मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे है। प्रश्न, भारत के किन राज्यों में रेल मार्ग नहीं है? सिक्किम मेघालय में। अगला प्रश्न, ब्रांड गेज में दो पटरियों के मध्य कितनी दूरी है? 1676 मीटर। पूर्वांतर रेलवे में असम के बाद किस राज्य में सर्वाधिक रेलवे का विस्तार है? त्रिपुरा 45 किलोमीटर। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किन योजनाओं का नाम है? यूनिगेज परियोजना 1992 में। सबसे लंबी दूर 4286 किलोमीटर 82 घंटा में तय करने वाला रेलगाड़ी का नाम? विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के मध्य चलाई जा रही है? अहमदाबाद से मुंबई। सड़क प्रणाली की दृष्टि से भारत विश्व में क्या स्थान है? तीसरा स्थान पे। वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 58,112 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न, ग्रैंड टैंक रोड किन दो राजमार्गों में बांटा जा गया है? NH1 और NH2। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। दिल्ली को मुंबई कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? NH8। देश में कुल सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किन राज्यों में है? महाराष्ट्र में। देश में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सड़क का घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? केरल में। उत्तर दक्षिण ग्वालियर एवं पूर्व पश्चिम ग्वालियर का मिलन कहाँ होता है? झांसी में। किस राज्य में पक्की सड़क का घनत्व प्रतिशत सर्वाधिक है? हरियाणा 90.68%। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल सड़क प्रणाली का कितना प्रतिशत यातायात संपन्न है करता है? -40%। राष्ट्रीय राजमार्ग एक और NH1 का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पंजाब 254 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे छोटा कौन सा है? NH 152 40 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है, व्यापारिक जहाज रानी वेरों की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 17वां स्थान। भारत में अभी बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12। भारत में कुल 14,500 किलोमीटर जल मार्ग में सबसे लंबा जल मार्ग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, 2,441 किलोमीटर। बिहार में कितनी लंबी जल मार्ग है? नदियां नहरें उपलब्ध है? उत्तर, 1,310 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र। 36। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, ज्वारिया बंदरगाह एवं मुक्त बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कांडला, गुजरात। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? मद्रास, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह की विशेषता है? विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, डायमंड हार्बर किस नगर के निकट है? कोलकाता। कर्नाटक का प्रवेश द्वार मुख्य रूप से कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? न्यू मंगलोर। भारत में शिपयार्ड सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे इन सबसे अधिक क्षमता किसकी है? कोचिंग शिपयार्ड की। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1911 ईस्वी इलाहाबाद से नैनी के मध्य। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना कब शुरू की गई? 1922 ईस्वी में। अगला सवाल, वायु परिवहन हेतु वर्तमान में कितनी कंपनियां उपलब्ध है? 3 सार्वजनिक क्षेत्र से। अगला प्रश्न, इंडियन एयरलाइंस कितने राष्ट्रों को उड़ान भरती है? 14 राष्ट्रों को। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। 2000 में केंद्रीय परिमंडल ने कितने घरेलू हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया? 6। कौन सी वायु कंपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करा रही है? पवन हंस लिमिटेड। भारत में वायु परिवहन के लिए निजी कंपनियों का कब मौका मिला? 1992 ईस्वी में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ है? नई दिल्ली। बिहार के किस हवाई अड्डे में चुनिंदा राष्ट्रियों का विमान उतर सकता है? बोधगया। इसी तरह के अनोखे एवं रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।